to be a part of this. इन लोगों के एक अच्छे विचार से एक हमने डिसाइड किया कि हम इंडियन कल्चर को इसराइल में प्रमोट करेंगे एंड वी विल प्रमोट आर्ट एंड कल्चर नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो टूरिज्म. सो आई थिंक इट्स अ 360 डिग्री कवरेज ऑफ इंडियन कम्युनिटी देयर इन इसराइल हु आर स्टेइंग देयर. बिकॉज क्या होता है कि इंडियंस जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो अपने आर्ट और कल्चर से इतना टच में नहीं रह पाते हैं, विच इज़ वाई दीज जेंटलमैन केम अप विद दिस थॉट ऑफ मर्जिंग द टू कंट्रीज टुगेदर एंड क्रिएटिंग वन प्लेटफॉर्म वेर इन जहाँ पे सारी इंडियन कम्युनिटी एक साथ आके सेलिब्रेट कर सके, विच इज़ वाई वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इंडियन कल्चर देयर फॉर 3 days. एंड दोज 3 days आर गोइंग टू बी द मोस्ट मेमोरेबल वन बिकॉज ये इसराइल में पहली बार ऐसा कुछ होने वाला है जो कि इतने मेगा लेवल पे हम करने जा रहे हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. तो वहाँ की गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिला है आप लोगों को? मेरे ख्याल से वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है, विच इज़ वाई ये आज पॉसिबल हो पा रहा है. यूनिवर्सल इवेंट और हमारे जो चैतन्य जी हैं इनकी जो कंपनी है रिसर्च रिसर्च मीडिया एंड ग्लोबल इवेंट्स, मोसेस जी इज़ द पर्सन बेसिकली हैज डन ऑलरेडी सो मेनी इवेंट्स देयर इन इज़राइल एज वेल एज इन अदर कंट्रीज आल्सो. सो ऑलरेडी ही अप्रोच द गवर्नमेंट, इज़राइल गवर्नमेंट आल्सो, सो दे आर रियली सपोर्टिंग एंड फ्यू मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट आल्सो आर गोइंग टू प्लेस द इवेंट. तो बॉलीवुड से और मतलब और कौन कौन जुड़ने वाला है और कौन से इंडस्ट्री, क्या यहाँ के पॉलिटिशियन भी वहाँ पे हिस्सा लेने वाला है या फिर ऐसा कुछ होने वाला है? वी आर अप्रोचिंग, ओके, वी आर गोइंग टू मीट फ्यू मिनिस्टर्स, मेनली मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, ओके, एज वेल एज डेफिनेटली एम्बेसी फ्रॉम इजराइल, हूएवर इज देयर फ्रॉम आवर इंडिया, डेफिनेटली दे विल अटेंड. राइट, वी हैव सो मेनी फेस्टिवल्स, सो any particular festival we are exploring? One thing very clearly would like to tell you, Israel basically working kind of nature, whoever coming whoever residing from India, mainly they were going for only work basis only, okay, they were busy with their schedules, yeah, with hectic work and other things and all, okay. So really they need a kind of entertainment as well as the new generation should know what exactly our culture and all, okay. So just to promote all these things, global events in association with Research Media Group, we have initiated and we are doing this program for continuous 3 days. Right. Anveshi, aap bahut kam judte ho kisi bhi festival ya phir cause ke sath, iske sath judne ka kya reason tha? बहुत ही कोइंसिडेंटली ये चीज़ हुई कि आई वाज लुकिंग फॉर अप्रोचिंग इसराइल टूरिज्म ऑलरेडी, बिकॉज व्हेन यू स्क्रॉल यूट्यूब यू आर सीइंग कि इसराइल जो है वो टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है. आई बीन प्रमोटिंग थाईलैंड, आई बीन प्रमोटिंग अदर कंट्रीज अभी जब तक मैं ट्रैवल कर रही थी. सो आई वॉज थिंकिंग एंड प्लानिंग टू अप्रोच दैम एंड आगे से मेरे पास कौशिक जी का मेरे पास फ़ोन आया, इनके साथ में आने वाले टाइम में मूवी करने जा रही हूँ, तो उनका मेरे पास फोन आया कि अनवेशी वी आर प्लानिंग दिस ह्यूज ग्रैंड इवेंट, वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस? तो मैंने कहा व्हाई नॉट, एक्चुअली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हम आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने जा रहे हैं बल्कि हम साथ ही साथ टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं. वन ऑफ द रीजन्स आई डिड इट, एंड जब मैं एक्ट्रेस नहीं बनी थी इसके पहले से ही आई वॉज होस्टिंग एंड डूइंग सच कल्चरल इवेंट्स फॉर साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज एज वेल, यूरोप एंड बुदापेस्ट पर्टिकुलरली आई हैव डन दिस. तो बेटर लेट आवर चेयरमैन फ्रॉम यूनिवर्सल इवेंट्स, ही विल एक्चुअली जो इस इवेंट के मुख्य कारण है अपना इंडिया का आर्ट एंड कल्चर इंक्रीज करने के लिए, और हमारा इंडिया का लोग वहाँ पे रहते हैं वो सबको एंटरटेनमेंट देने के लिए, एंड इसराइल एंड भारत दोनों देशों का कल्चरल संबंध बढ़ाने के लिए. मैंने जो प्लान कर रहा हूँ कि 3 साल से प्लान कर रहा हूँ इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है वो इसराइल में दिखाएंगे. हमारा लोग बहुत कुछ वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, कोई टाइम एंटरटेनमेंट वहाँ पे नहीं है. बहुत बार मैं इसराइल जाके आया हूँ, टूरिज्म कर रहा हूँ, बिजी लोग वहाँ पे रहते हैं. जो टाइम है अक्टूबर 15, 16, 17 हर साल वहाँ के लोग जूश लोग जो त्यौहार बनाते हैं, वहाँ पे साल में एक ही बार त्यौहार बनाते हैं.